मल्टीप्लेक्सर यह एक संचार का माध्यम है, एकल संचार मतलब एक डिवाइस है। क्या आता है? एक मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक डिवाइस है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस में कैमरे का यूज किया जा रहा है, कैमरे के साथ कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, टेलीफोन का यूज किया जा रहा है, और डिवाइसेस है बहुत सारे जिसमें अलग अलग प्रकार के सिग्नल प्रवाह होते हैं। अब कैमरा का सिग्नल अलग होता है, टेलीफोन का सिग्नल अलग होता है, नेट केबल का सिग्नल आपका अलग होता है। तो उसमें क्या कहता है, अलग अलग प्रकार के जो सिग्नल है उसे एक रूप में परिवर्तन कर ट्रांसमिट किया जाता है। एक ऑफिस है, एक और उसका ब्रांच कहीं और है, वहां पे भी अलग अलग डिवाइस है। अब दोनों ऑफिस का डाटा का आदान प्रदान करना है, ठीक है, तो सभी डिवाइसों को एक सिग्नल में प्रवाह कर उसको संचारित किया जाता है किसी और जगह पे। देखिए, ये आपका मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पर डिवाइस लगा हुआ है, उसके अंतर्गत आपके कंप्यूटर्स, टेलीफोन, इंटरनेट, डाटा कनेक्टिंग और बारे कुछ कुछ और डिवाइसेस होते हैं। जैसे एक ऑफिस में आपका कैमरा भी है, दूसरे में है सर्वर है, तो दो अलग अलग जगह में सिग्नल को प्रवाह करने के लिए देखो मल्टी मोड और सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। कौन से केबल का यूज किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल। बताया था पिछले क्लास में, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी होता है, सिग्नल को संचार करने के लिए यूज किया जाता है। तो दो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिग्नल को एक में कन्वर्ट कर संचारित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मल्टी। तो डिजिटल सिग्नल, देखो मॉडेम क्या है, डिजिटल सिग्नल एनालॉग माध्यम फोन लाइन पर प्रेषित नहीं हो सकते। देखो डिजिटल सिग्नल जो है, हमारा जो फोन लाइन आता है उसमें कौन सा सिग्नल प्रेषित होता है? एनालॉग सिग्नल। कौन सा सिग्नल? एनालॉग सिग्नल। तो हमें इंटरनेट चलानी है, तो इंटरनेट जो होता है उसमें कौन सा सिग्नल यूज होता है? डिजिटल डिजिटल सिग्नल। लेकिन आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे कि फोन लाइन जो आता है उससे हम इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन एनालॉग है। तो एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। देखो इसीलिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज किया जाता है। यह क्रिया क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। इसी प्रकार एनालॉग सिग्नल प्रेषित नहीं हो सकते, इसीलिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज किया जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेशन। अब होता कैसे है ये समझाते हैं। देखिए, आप कहीं से भी एक केबल आया, कहीं से भी क्या होगा, केबल आया। कौन सा आया? केबल आया फोन लाइन का। फोन लाइन का आया, अब आपके पास केबल आया तो यहाँ पर फोन लाइन स्प्लिटर का यूज करते हैं, ऐसा छोटा सा डिवाइस आता है। ये क्या काम करता है? आपको अगर टेलीफोन चलानी है तो टेलीफोन में कन्वर्ट करेगा, और एक जो है आपको मॉडेम में ले जाएगा। अगर हम टेलीफोन यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से जो केबल आएगा उसे हम मॉडेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेलीफोन का लाइन जो आता है केबल, वो पतला होता है, ठीक है, इसीलिए उसका जो कनेक्टर है और उसमें केबल की जो संख्या है वो भी कम रहता है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर जो आता है कनेक्टर, ये छोटा सा रहता है। मॉडेम में देखना, इसको छोटा सा रहता है, मॉडेम में
इसके बाद ये केबल जो आता है उसे हम मॉडेम में कनेक्ट करते हैं। मॉडेम में कनेक्ट करने के बाद अगर किसी मॉडेम में दो है तो दो सीपी में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी मॉडेम में चार है तो चार सीपीयू कनेक्ट कर सकते हैं, आठ है तो आठ सीपीयू कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको अगर फोन लाइन के द्वारा इंटरनेट यूज करनी है तो किसका यूज करना पड़ेगा? मॉडेम का। आजकल वाईफाई वाला भी मॉडेम आ रहा है, साथ में एंटीना लगा रहता है ना, इसीलिए मॉडेम का यूज किया जाता है केबल के द्वारा। कंप्यूटर नेटवर्क डाटा और इंफॉर्मेशन के संचारण को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं ना। आदान प्रदान होता है डाटा और आंकड़े यानी सूचना का। कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क की सहायता से किया जाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क किसके सहायता से करते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से संपर्क में आते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे एक कंप्यूटर में कोई डाटा है, अब दूसरे कंप्यूटर में कोई डाटा है, एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, या एक दूसरे का डाटा आदान प्रदान हो रहा है। मोबाइल में जैसे यूज करते हैं ना, शेयर इट, किसी ना किसी माध्यम से कनेक्ट होता है, एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे में जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। मोबाइल में भी एक मोबाइल का डाटा दूसरे में शेयर करते हैं, एक्सेंडर हो गया, शेयर इट हो गया, और बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, ठीक है। ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होता है आजकल, क्या है, व्हाट्सएप का टाइम है तो व्हाट्सएप से वाईफाई से डाटा शेयर होता है। वो सिग्नल डाटा, डाटा मतलब हमारा होता है पिक्चर, फाइल, मूवी, सॉन्ग, इससे मतलब है, ठीक है। डाटा का मतलब ये पिक्चर्स है, सिग्नल का तो अलग ही है, आप यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क यानी एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में कैसे प्राप्त करते हैं, किस तरीके से उसका कनेक्शन किया जाता है।